मेमोरेंडम यस सर ओनली बेसिस यस स्टेट सरशिप इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, करीबन 5 स्टेटों में इन्होंने ऐसे सेम क्राइम किए हुए हैं, फरार घोषित हैं। 520 लॉर्डशिप 420 420 है, आईटी एक्ट है और लॉर्डशिप यस 204 आल्सो थे। 8,000 रुपए का इन पर इनाम घोषित है और ये 1/2/2022 से एब्सकॉन्ड है, 1/2/22 से लॉर्डशिप। और सभी की जो बेल ग्रांट हुई है वो 439 हुई है, इट इज द 438 बेल एप्लीकेशन। नहीं इनके अगेंस्ट मटेरियल क्या है? मटेरियल है ना सर, मटेरियल है मेमोरेंडम के अलावा। हम पेज नंबर 12 में पैरा 3 पे दिया हुआ है नोट क्या है पेज नंबर 12 में। लोग मिलकर साथ काम करते हैं, दोस्त कुंदन के साथ मिलकर ऑनलाइन फ्रॉड का काम करता हूं। मंटू ने बताया कि उसने आसनसोल से किसी अन्य के नाम से 2 सिमें ली थी, जिनके माध्यम से वो लोगों को बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी अपडेट के नाम पर कॉल करते थे। ऐसे ही सिमों से कल मैंने और कुंदन ने करीब 40 लाख रुपए का फ्रॉड किया था, जिससे मैंने मेरे दोस्त कुमार मालू से एटीएम से पैसे निकलवाए थे, जिसके लिए मालू ने अपने बक्सर के दोस्त सुभाष यादव के माध्यम से किसी अविनाश मिश्रा के खाते में तथा अन्य बैंकों के खातों में पैसे डलवाए थे तथा एटीएम कार्ड के माध्यम से पैसे निकलवाए थे। इस फ्रॉड में मेरे हिस्से में करीबन 7 लाख रुपए आए थे, जिससे मैंने 2 लाख रुपए खर्च कर दिए थे, 5 लाख रुपए मेरे पास हैं, उनसे रिकवरी हुई है, 5 लाख की लॉर्डशिप हुई है। हाँ। इनसे रिकवरी होनी है, इनसे रिकवरी भी होनी है। बैंक कितने गए वो भी आगे आ रहा हूँ। बैंक अधिकारी बनकर केवाईसी के नाम पर कॉल किया करता था, जिस मोबाइल से मैंने सिम कार्ड के माध्यम से कॉल किया था वो मोबाइल फोन को मैंने तोड़कर फेंक दिया है। जिस मोबाइल व फोन नंबर से मैंने अपने साथियों से बात करता था वो मेरे पास है। लॉर्डशिप इट इज द चेन, मालू का ये फ्रेंड है और तीनों के बैंक अकाउंट हैं, तीनों के एटीएम कार्ड हैं और उसी से ये पैसा का ट्रांजेक्शन करते थे। इट इज अ फ्रॉड ऑफ अबाउट 57 लाख, ये जो वर्तमान केस है। एप्लीकेंट ये बोल रहे हैं कि कोई मटेरियल नहीं है, मटेरियल है ना लॉर्डशिप, बैंक अकाउंट है इनके, इनके सिम है, ट्रांजेक्शन भी ट्रांजेक्शन है ना लॉर्डशिप, ट्रांजेक्शन है, एप्लीकेंट है, फाइल फर्स्ट एटीएम सिम अंडर सेक्शन 438 पुलिस स्टेशन Counsel for applicant submitted that applicant is innocent and falsely been implicated only on basis of memorandum. In these circumstances, applicant be released on anticipatory bail. Government advocate appearing for state opposed the application for grant of bail. It is submitted that in 5 states, offences has been registered against applicant for doing cheating and committing offences under Information Technology Act. Full stop. In this case also, offence has been committed by 3 co-accused persons. From other co-accused persons, recovery has already been made. Applicant is required for investigation and recovery is also to be made from him. Required for custodial investigation. Considering aforesaid circumstances, application filed by applicant is dismissed. मैं रिक्वेस्ट ये बता तो दें कि मेरे अकाउंट में कितना पैसा आया। ये अभी अरेस्ट करेंगे उसके बाद बताएंगे आपको कौन कौन से आपके अकाउंट हैं, कहां कहां आपने पासबुक छुपा के रखी है, किस किस अकाउंट में कितना डाला है, वो तो सब आप लॉकअप में बताएंगे। यस नो विड्रॉल, 5 केस हैं आपके ऊपर, 5 स्टेट में। यस